रात न्यूज में आपके साथ पलक। साइक्लोनियास, ओडिशा बंगाल के अलावा कई राज्यों में भारी बारिश संभावना। जानिए कहां कहां तूफान का होगा असर। चक्रवाती तूफान यास कल सुबह झारखंड पहुंचेगा, तब इसके हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। उड़ीसा के जिलों में भी हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। नई दिल्ली, चक्रवाती तूफान यास दक्षिण में उड़ीसा तट से टकरा चुका है। अभी यहां हवा की रफ्तार 130 से लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटे में चल रही है। लैंडफॉल की प्रक्रिया पूरी तरह हो चुकी है। अब चक्रवात धीरे धीरे कमजोर होकर उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ेगा। हवा की रफ्तार आज रात तक रहेगी, उसके बाद काफी हद तक कम हो जाएगी। उत्तर उड़ीसा और तटीय उड़ीसा से आज भारी से भारी बारिश होगी। पश्चिम बंगाल में आज आइसोलेटेड भारी से बहुत भारी बारिश होगी। कल भी अंदर के जिलों में बारिश हो सकती है, ये जानकारी IMD महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने दी है। झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय में भी होगी बारिश। मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि झारखंड में आज और कल बारिश से भारी बारिश हो सकती है। बिहार, सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज और कल आइसोलेटेड भारी बारिश से भारी बारिश हो सकती है। असम मेघालय में भी आज आइसोलेटेड भारी बारिश होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया है कि चक्रवाती तूफान कल सुबह झारखंड पहुंचेगा, तब इसकी रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली हवा बालेश्वर, भद्रक और पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में चल रही है। उड़ीसा के अंदर के जिलों में भी हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। मुंबई एयरपोर्ट पर 6 उड़ानें रद्द हो गई। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात यास के मद्देनजर उड़ाने वाले रद्द की कर दी है। अन्य क्षेत्रों के लिए उड़ाने निर्धारित समय के अनुसार चलती रहेंगी। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात यास के चलते मुंबई से कोलकाता और भुवनेश्वर के बीच उड़ाने रद्द कर दी गई है। बयान के मुताबिक अब तक लगभग 6 उड़ाने रद्द कर दी गई है। ऐसी तमाम खबरों की जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।